हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एच डी पर। फ्रेंड्स, वहाँ से हमें कोऑर्डिनेटर टोटल से चल रही है, तो ऐसे ही हम कंटिन्यू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड को एक साथ अपडेट कर सकते हैं अपने डेटाबेस में। मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप मल्टीपल रिकॉर्ड किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा था, वो भी देख सकते हैं। देन आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एक ही क्वेरी में मल्टीपल रिकॉर्ड किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से मल्टीपल रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। देन मैं कंट्रोलर बनाता हूँ और कंट्रोलर को हम सेव करेंगे जेम के अंदर एसटीडॉक। देन यहाँ पर हमारा ट्यूटोरियल, और ट्यूटोरियल के अंदर है सीआई ट्यूटोरियल। देन एप्लीकेशंस के अंदर, कंट्रोलर के अंदर हम यहाँ पे बनाएंगे मल्टी अपडेट डॉट पीएचडी फाइल है। इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड को एट अ टाइम अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर हम आते हैं एक क्लास, देन इसे हम एक्सटेंड करेंगे एक्सटेंड्स सी आई कंट्रोलर। देन यहां पर हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन, सबसे पहले बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्ट। देन यहां पर हम कॉल करेंगे पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, और यहां पर हम एक फंक्शन आते हैं पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। देन इसे हम कहते हैं इंडेक्स फंक्शन, और इसे लगाते हैं सेमी कॉलन। देन हम इसे रन करते हैं, तो यहाँ ओपन करेंगे लोकल होस्ट स्लैश ट्यूटोरियल, देन उसके अंदर सी आई ट्यूटोरियल, देन इंडेक्स डॉट पी एच पी, और उसके बाद हमें लिखना होगा यहाँ पर हमारी कंट्रोलर का नाम। देन इसके बाद हमारी इंडेक्स मेथड जो है वो रन होगी। तो देखिए इंडेक्स फंक्शन यहाँ पे रन हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कि अब मल्टीपल रिकॉर्ड किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एचटीएमएल फॉर्म नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको डेटा फॉर्मेट बताऊंगा। तो आपको इसके लिए सबसे पहले एक एरे बनाना होगा। यहाँ पर हम बना लेते हैं मेन अरे। देन इस मेन अरे के अंदर आपको आपके मल्टीपल रिकॉर्ड रखने हैं। जो ये मेन आर आर है, इसके अंदर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड अपने रखने हैं। तो आप मल्टीपल रिकॉर्ड किस तरीके से रखेंगे, हम डेटाबेस में अगर देखें हमारे पास कोई टेबल है जिसे हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं सी आई ट्यूटोरियल में। देन यहाँ पर हम यूज़र के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीन फील्ड है, नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर। साथ ही साथ हमारे पास एक और फील्ड है आईडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हम जिन फील्ड को अपडेट करना था, हमें नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके अंदर हम असाइन करेंगे एक एरे को, और इस एरे में हम लिखेंगे नेम। तो यहाँ पर अभी नॉर्मल नेम है, तो हम 1, 2, 3, 1, 4 और 5 में जो डेटा है उसे हम अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे देते हैं ए, देन a@gmail.com। ईमेल में हम देंगे जैसे ईमेल, और ईमेल में होगा a@gmail.com, और इसके बाद होगा मोबाइल नंबर। देन मोबाइल नंबर में हम देंगे यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, हम 111 दे देते हैं। और इस तरीके से हम और दो रिकॉर्ड और इसमें ऐड करेंगे हमारे एरे में। तो हम इसे करेंगे इसका दो डुप्लीकेट, और यहाँ पर हम दे देंगे टू, देन टू देंगे, इसके बाद हम यहाँ पे देंगे थ्री, और यहाँ पर हम देते हैं बी, और इसे देंगे सी। देन यहाँ पर भी हम देंगे बी, और इसे हम देंगे सी। देन हम इसे प्रिंट करेंगे कि हमारा जो एरे है वो किस फॉर्मेट में आया। देन यहाँ पर हम इसे करेंगे प्रिंट, और इसे करते हैं प्रिंट यहाँ पर, और इसके साथ हमें लगाएंगे एक को प्री, और हम देखेंगे हमारे एरे का फॉर्मेट। तो हमारे एक मेन एरे के अंदर मल्टीपल एरे होंगे। तो देखिए एक हमारा मेन एरे है, उसके अंदर हमारे पास तीन मल्टीपल एरे हैं। तो अब हमें इसे डेटाबेस में अपडेट करना है। तो इसके लिए जो हमारा फंक्शन होता है वो हम आपको कॉल करेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो होता है डॉलर दिस डीबी और बैच अपडेट,
और इसमें जो पहला पैरामीटर होता है वो हमारी टेबल का नाम होता है। तो यहाँ पर हम पहला पैरामीटर हमें देंगे टेबल का नाम यूजर्स, देन सेकेंड पैरामीटर होता है डेटा, तो हम पास करेंगे इस मेन एरे को, और साथ ही साथ तीसरा पैरामीटर होता है आपकी वो आईडी फील्ड जिसका यूज करके आप इसे अपडेट करेंगे। तो हमारी जो फील्ड है वो है आईडी नाम से, तो हम यहाँ पर केवल लिखेंगे आईडी और इस आईडी की वैल्यू रखेंगे हम हमारे इस एरे में। तो हमें जिस जिस एरे को अपडेट करना है उसके साथ हम उसकी आईडी देंगे। तो यहाँ देंगे पहले के लिए हम आईडी इक्वल्स टू 1, देन इसके बाद हमें दो की भी अलग अलग आईडी देना है हमें, तो यहाँ पर भी हम देंगे, तो यहाँ पर हम देंगे 4 और 5। तो जिनकी आईडी 4 है वो अपडेट होगा, देन जिसकी आईडी 5 है वो भी अपडेट होगा, और इसके बाद हम इसका आउटपुट देखेंगे। और यहाँ पर हम लेते हैं आर ई एस पी इक्वल्स टू, और इसमें जो भी हमें मिलेगा आर ई एस पी के अंदर तो हम उसे करेंगे यहाँ पर प्रिंट। तो यहाँ करेंगे एको, देन सेव करेंगे, और अगेन हम रिलोड करेंगे। हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड अपडेट होंगे उसका हमें काउंट मिलना चाहिए, तो हम इसे करते हैं रिलोड। तो हमारे पास आया है, और देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फंक्शन में मिस्टेक की थी। यहाँ पर जो होता है वो होता है अपडेट बेस, मैंने बेस अपडेट हमारा फंक्शन कॉल कर दिया था, तो इस कारण एरर आ रही थी। तो ये देखिए दो रिकॉर्ड हमारे अपडेट हो चुके हैं। देन यहाँ पर जो फंक्शन होता है वो होता है अपडेट बेच, मैंने बाय मिस्टेक उससे बेच अपडेट लिख दिया था। तो ये देखिए हमारा जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का होता है अपडेट बेच, देन उसके अंदर तीन पैरामीटर होते हैं, पहला आपकी टेबल का नाम, देन सेकेंड आपका मल्टीपल डेटा का एरे, और थर्ड आपकी उस फील्ड का नाम जिसका उसके का अपडेट करेंगे, और उस फील्ड की वैल्यू आपके सेल्फ एरे के अंदर रहती है। यहाँ पर देखिए 1, 4, और यहाँ पर हमने 4 कर दिया, हम इसे अगेन चेंज कर देते हैं, यहाँ पर 5 रहना चाहिए था, तो 4 पर ही अपडेट हो गया डेटा। तो हम अगेन इसे करेंगे रिलोड, तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड में चेंजेस आया है, बाकी ये दो रिकॉर्ड हमारे सेम है। तो हम देखते हैं, देन चेक करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास ए बी और सी हमारे पास आ चुके हैं। अगर हम और भी चेंज करना चाहते हैं तो हम इनके आईडी अगर देंगे तो ये भी हमारे अपडेट हो जाएंगे। तो हम जितने भी रिकॉर्ड हम इसमें देंगे, तो यहाँ पर हम दे देते हैं आईडी, जो हमारे पास आईडी है वो हम देंगे 8, 9 और 10। तो यहाँ पर हम देते हैं 8 की आईडी, और इसे हम देंगे 9, और इसे हम देंगे 10, और यहाँ पर हम इसके नेम में चेंजेस करेंगे केवल डी ई और साथ साथ वो एफ। तो जितने भी रिकॉर्ड अपडेट होंगे हमें उसका नंबर ऑफ काउंट मिलेगा, देन हम इसे करते हैं रिलोड। तो ये देखिए 3 आया, मतलब हमारे 3 रिकॉर्ड अपडेट हो चुके हैं। देन हम अगर हम देखें तो हमारे पास T1, T2 और दीपेंद्र में चेंजेस आने चाहिए। तो ये देखिए T1, T2 और दीपेंद्र की जगह यहाँ पर देखिए चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो रहे हैं, देन बाकी की इन्फॉर्मेशन भी अपडेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। देन इसके लिए जो वैल्यू है आपके फॉर्म से, आप जितने डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं तो आप जिस वे से इसमें लाना चाहते हैं आप उस वे से इसमें डेटा ला सकते हैं अपने एचटीएमएल फॉर्म को यूज करते हुए। इसलिए मैंने आपको केवल और केवल कंट्रोलर का लॉजिक बताया है कि आप कंट्रोलर पर अपना बिजनेस लॉजिक किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया उसे लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप अपनी इंटरव्यू से रिलेटेड स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट के इंटरव्यू क्वेश्चन सेक्शन विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनका यूज करके आप अपनी इंटरव्यू स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप इसके लिए मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।